हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ मेरे ससुराल में और ये देख लीजिए मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। टीवी सही कर रहे हैं। बोला तो तुम बहुत अच्छा लग रहा है। तुम बोला तो नहीं भर रहे तू बोला तो गिरे कितने गोरे लग रहे देखियो लगन दे। सही पकड़े हैं नजर न लग जाए। कारे रखे हैं। देखो तुम्हारे बाबूजी बॉडी तुम से कारे कह रहे हैं। तो मतलब कह रहे तो मुझे गोर है। नहीं नहीं वो तो पहले कापते। ये है मेरी जिठानी जी। हम तो बहुत कारे हैं। हम तो कारे। ये साड़ी दिखा रही है तो तुम भी देख लीजिए साड़ी। रोटी दिखा रही है उतार उतार के। कितनी प्यारी प्यारी साड़ी है। इनको अपनी मम्मी के यहाँ से मिली थी तो बोल रहे थे तुम देख लो तो तुम भी देख लीजिए। देख रही है मुड़ी गिरा नहीं दे भाई। कौन सी वो जाए तुम तो भी एलईडी ले रही है। ले रहे हैं तो एक काम करिए अपनी एलईडी मैं दे दी हूँ। टीवी तुम ले ली एलईडी हफ्ता पे डिब्बा दे रही थी इससे कह दे डिब्बा ने हमने कब कुछ कही का तुम हम सामने बीच में धोती दिखाओ भाई क्या मास धोती देख के जाम इंतजार कर रहे हैं। देखो ना जी बोल रही थी क्या कहेंगे मां से बस है वो काम काका रहा चलो मार के दिए करते हैं ठीक है। वैसे तुम्हें दे दो ने मिलाया जस्तल पस्तल आओ कुछ नहीं करना बस बहुत सारे वीडियो हमने बना के रख लिए हैं। एडिटिंग करना बाकी है तो हम एडिटिंग करके फिर आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारा रूम देख लीजिए। अभी ऐसे अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है बस यहीं पे आकर बैठे हुए थे तो सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लूँ आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोग बोलते हो ना गाँव जाकर गाँव बताइए तो गांव का घर दिखाती हूँ आप लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम दोपहर के हो रहे थे 3:30 करीब। तो हम यहाँ से निकल रहे थे अभी। तो ये जो ग्रे कलर की साड़ी पहने हुई है वो मैं हूँ जो घूंघट मार के जा रही हूँ। ये मेरी जिठानी, ये मेरी सासू माँ है और बाकी के बच्चे हैं, चाची सास हैं, सब लोग हैं। तो ये हमारा गाँव है। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। आपके अभी तक एक भी बार नहीं दिखाया है मैंने। तो कैमरा मैंने मेरी एक छोटी ननद है उनको पकड़ा दिया है। ये मेरे हस्बैंड है बैग वैग लेके जा रहे हैं और ये देख लीजिए कैमरे के सामने आने से कितना शर्म आता है सबको। कोई आना नहीं चाहता इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। मेरी सासू माँ है, चाची सास है, जिठानी है, सब लोग जा रहे हैं मेरे साथ मुझे जहाँ पर बस रुकती है वहाँ तक छोड़ने के लिए। थोड़ा गाँव में तो अंदर थोड़ी बस आती है, बाहर तक जाना पड़ता है। तो देख लीजिए बस यही है गांव में आकर मैं किस तरीके की घूंघट मार के रहना पड़ता है मुझे। जब मैं घर के अंदर रहती हूँ तो घूंघट मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब मैं घर के बाहर आती हूँ, घर के बाहर निकलती हूँ तो मुझे इसी तरीके से घूंघट मारना पड़ता है। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए कि गाँव के रीति रिवाज और गाँव के कैसे क्या हाल चाल है। अभी तक शहर में कितना कुछ बदल चुका है लेकिन गांव में कुछ भी नहीं बदला है। शहर में मैं जैसे भी रहती हूँ, जैसे भी कपड़े पहनती हूँ, लेकिन गांव में मैं जब भी आती हूँ तो हमेशा साड़ी पहनती हूँ। घर के बाहर जब भी निकलती हूँ तो हमेशा घूंघट लेती हूँ। और आप लोग खुद ये प्रूफ आप लोग खुद देख लीजिए अपनी आँखों से, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो ये देख लीजिए ये हमारा गाँव, ये हैडपम्प लगा हुआ है। ये भैंसों को पानी पिलाने के लिए हैडपम्प से पानी निकाल चला रहे हैं। तो ये मेरी चाची सास है, ये मेरी छोटी छोटी ननद है, ये मेरे हस्बैंड है जो बैग लेके खड़े हुए हैं जाने के लिए चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो ताल है यानी कि बाबरी बोलते हैं उसे, ये मेरी जो मतलब रहती हैं वहीं पे वो है। ये देख लीजिए ताल है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी घर से कहीं जाते हैं तो यहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं हमेशा।
तो ये ताल वाले बाबा हैं बोलते हैं सब लोग, ताल वाले बाबा हैं, तो बस उन्हीं पे हमेशा प्रसाद चढ़ाती हूँ मैं, तो उसी के लिए मैं रुक गई थी। तो देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है, ये मैं खड़ी हुई हूँ, तो प्रसाद मंगाया है अभी, तो प्रसाद आ जाएगा तो मैं इस पर प्रसाद चढ़ाऊँगी। तो आप लोग बनी रहिए मेरे साथ, और मुझे पता है कि आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आप देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। तो ये प्रसाद आ गया है मेरा, तो मैं यहाँ से प्रसाद चढ़ा रही हूँ, देख लीजिए आप लोग, और पैर छू रही हूँ बैठ के, जो अपने पल्लू का अपना जो छोर होता है जो, उससे पैर छूते हैं हमारे यहाँ। तो हो मैंने चढ़ा दिया प्रसाद, दे दिया कि सबको बांट दो, तो अब सब लोग बांट देंगे। तो चलिए अब हम मिलते रास्ते में, देख लीजिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, पता मेरी ट्रेन मिस हो गई। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने हम दोनों का रिजर्वेशन करवाया था, रास्ते में इतना ज़्यादा जैम, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा कि 1 से 2 घंटे मुझे रास्ते पर ही हो गए, सच्ची बता रही हूँ। उस दिन मेरी ट्रेन मिस हो गई, मुझे बहुत गुस्सा आया और बहुत समझ नहीं आया। मेरे साथ ही मेरे 7 बजे की ट्रेन थी, मैं घर से और तो 3 बजे करीबन निकले थे, 3 या 3:15 ऐसा कुछ हो रहा था, फिर भी देख लीजिए मैं पहुंच नहीं पाई टाइम से स्टेशन। मैं पहुंची स्टेशन और ट्रेन निकल गई, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों मेरे साथ ही क्यों होता है। देख लीजिए कितनी लंबी लाइन लगी, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर तक ऐसा ही जाम लगा हुआ था, तो बहुत लेट हो गए, नहीं पहुँच पाए। तो फिर मैं ग्वालियर रुकी, 2 दिन के बाद का टिकट मिला, तो मैं आ गई हूँ मेरी ननद के यहाँ पर, ट्रेन मिस हो गई। वो वहीं ग्वालियर से हमें बैठना था ट्रेन में, तो ग्वालियर ही हमारी ननद रहती हैं, और ये ननद की लड़कियाँ हैं यानी कि हमारी भांजियाँ हैं। तो हम लोग उनके यहाँ पहुँचे हुए थे, पहुँच गए फिर हम लोग वहाँ पर खाना खा रहे थे, क्योंकि हम लोग बना के लिए गए थे रास्ते के लिए, तो वो था कुछ मोमोज मंगाए थे, पूरी सब्जी ये सब कुछ था, करेले की सब्जी, आलू की सब्जी, आलू बैंगन की सब्जी, अचार, पूड़ी, पुआ और मोमोस, लड्डू, ये सब कुछ था। तो देख लीजिए किस तरीके से हम दीदी के यहाँ पे 2 दिन निकालते, बहुत मस्ती भरे, बहुत मज़ा आया। आप लोग देखते रहिए, नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बहुत जगह में घूमने के लिए गई, किले पे घूमने के लिए गई, मेला घूमने के लिए गई, वो सब देखना है, तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो पर लगातार। तो देख लीजिए ये है मेरे हस्बैंड और ये है मेरी भांजी, तो दोनों लोग साइकिल चला रहे, तो बोल रहे थे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, ये दीदी का घर है जहाँ पे दीदी रहती हैं। तो बस इसी तरह एंजॉय किया हम लोगों ने, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट।